अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों की कृष्ण बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ कभी नहीं देते। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो परंतु साथ न छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर हो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है और ना ही कोई मुझे अधिक प्रिय लगता है। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनका ध्यान रखता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए थे ना लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। एक बार राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहें। प्यार और तकदीर कभी साथ साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिनसे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में ही नहीं होते। हर कीमती चीज़ को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, और भगवान से पहले अपने माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थी से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी ना बनो। अच्छे किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है, और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी भी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों से
संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाले विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होनी चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां बन जाती है, और नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया? गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला वही व्यक्ति है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डूबता। अगर आपकी प्रशंसा हो रही है तो ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिन से लड़ना ही पड़ता है। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो बदलेगी जरूर। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन ढंग से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो समुद्र सूखा नहीं करते। जहां आपकी कोई कीमत नहीं वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है, और उन्हीं का नाम है कान्हा। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है यह जानने वाला भी विजेता ही होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व खो देती है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्तों पर खुद ही चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है, और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु भी। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है।
खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो पूरी निष्ठा से, अपना कर्तव्य अपना कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ न कुछ जरूर अच्छा होता है। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो, अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले तो शमशान से भी आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाले व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना हो। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है, और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।